आज हम बनाएंगे अंडे का भुर्जी। जी हाँ, भुर्जी, जो अंडा भुर्जी बोलते हैं ना, बहुत खाए होंगे और बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन हमने इसमें एक ऐसी चीज मिलाया है जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। तो चलिए इसे बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है लगभग 2 टमाटर, 4 से 5 हमने प्याज लिए, छोटे साइज के प्याज है ये, और हमने लिया यहाँ पे कुछ लहसुन, अदरक ले लेंगे 1 इंच का टुकड़ा, और 3 हमने हरी मिर्च लिया है। तो हमें प्याज हरी मिर्च को भी बारीक एकदम से काटना है, अलग अलग काट लेंगे, अलग अलग काट के इस तरह से रख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे प्याज काट लिया और हरी मिर्च को भी काट दिया, उसी तरह से हमें टमाटर को भी चॉप कर लेंगे और उसे भी एक अलग रख देंगे, और हमें बाकी बच गया ये लहसुन और अदरक। तो इसे क्या कर किया है हमने, यहाँ पे इसे कूट लिया है। आप चाहो तो इसे बारीक काट सकते हो, या आप इसका, अगर आपके पास पेस्ट पड़ा हुआ है अदरक लहसुन का, तो पेस्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए ये देखिए, हमने अदरक लहसुन का ऐसे कूट के अलग निकाल के रख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिया है लगभग 6 अंडे। तो 6 अंडे को हमने क्या करना है, एक बॉल में तोड़ के रख लेना है और इसे अच्छी तरह से फेंटना है हमें। तो चलिए यहाँ पे हमने टोटल 6 अंडे लिए हैं, आप देख सकते हो, और बस हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटना है। तो लीजिए, अंडा जो हमने फेंट लिया है, इसे भी रखेंगे साइड में। अब गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच तेल। तो 1.5 से 2 चम्मच तेल लेने के बाद तेल को हो जाने देंगे हम थोड़ा सा गर्म। जैसे ही गर्म होता है हल्का, हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हमें क्या करना है, एकदम से गोल्डन ब्राउनिंग करना है। इसे हल्का सा पहले भून लेंगे, जैसे ही हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखा था, ये देखिए ये डाल देंगे, और फिर से थोड़ा सा इसे भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी जो कच्चापन है वो भी हल्का सा चला जाए। थोड़ी देर भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, कटे हुए टमाटर मिला देना है, थोड़ा सा इसे चलाएंगे हम तेज आंच पे, हमें यहाँ पे भूनना है इनको तेज आंच पे, हमने थोड़ा सा तेज आंच कर दिया है, तेज आंच पे भूनेंगे। और बस हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है ये हरी मिर्च जो हमें काट के रखा था, वो हरी मिर्च डालना है। हरी मिर्च डाल के भी थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमें बस कुछ एकदम से थोड़े से मसाले हमने इसमें यूज किया है। तो मसाले में हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे पहले हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, लगभग 1 छोटा चम्मच डाला है हमने, और उतना ही हमने डाला है धनिया का पाउडर। तो बस अभी हम क्या करना है, ये मसालों को थोड़ा सा भून लेना है प्याज हरी मिर्च और टमाटर के साथ, थोड़ी देर भूनेंगे इसमें। थोड़ी देर भूनने के बाद अभी इसमें हम डालेंगे नमक, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला था, हमें थोड़ा सा तेज आंच पे प्याज और टमाटर को जो है थोड़ा सा भूनना था। अगर नमक पहले डाल देते थोड़ी तुरंत एकदम से क्या होता है, ये एकदम सॉफ्ट हो जाता। तो बस अभी हम नमक डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे देखिए इस तरह से, और बस लास्ट में जिस समय हमें अंडे डालने हैं इसमें, बस उससे थोड़ा देर पहले हम यहाँ पे डालेंगे ये मैगी मसाला। जी हाँ, यही मैगी मसाला का बात कर रहा था मैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे लगभग हमने 1 चम्मच मैगी मसाला डाला है। तो बस इसे मिक्स करना है हमें, ज़्यादा देर भूनना नहीं है इसे, इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और बस यहाँ पे हम डालेंगे हमारे फेटे हुए अंडे जो हमने फेट कर रखा था, वो डाल देंगे, और बस हमें क्या करना है, इसे डाल के आंच को थोड़ा सा धीमा कर देना है, और धीमा करने के बाद इसे इस तरह से घुमाते हुए सर्कल में बस इसे घुमा अच्छी तरह से फेंटना है, कि लगभग समझो तो फेंटना है अंदर कढ़ाई में, और चारों तरफ से इस तरह से छुड़ा लेंगे इसे। बहुत लोगों को क्या होता है, यहाँ पे ना जितना ही गीला है ना भी उतना ही पसंद है खाना, तो अगर आपको गीला थोड़ा सा पसंद है ये, तो बस आप यहीं पे गैस को बंद कर दो। तो मैंने ये क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे और इसे हम भून लेंगे, थोड़ा सा और हमने भुना इसे, ये देखिए एकदम थोड़ी देर तक। तो बस ये देखिए लगभग तैयार है, बस लास्ट में हमें क्या करना है, इसमें लास्ट में हम डालते हैं यहाँ पे ढेर सारे धनिया का पत्ता, जिसे हमने बारीक काट के रखा था, जिसे वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो बस तैयार हो गया अंडा भुर्जी,
और इसे आप जरूर एक बार ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।